इस वक्त की बड़ी खबर कामा भरतपुर से है, जहां दो पक्षों में एक पानी की पाइपलाइन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना भयानक था कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोग लहूलुहान हो गए। आसपास इकट्ठी हुई भीड़ ने दोनों पक्षों के लोगों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन लोगों में पानी की पाइपलाइन को लेकर आक्रोश इतना ज्यादा था कि लोगों के रोकने पर भी वो नहीं माने। इस पूरी घटना की सूचना जब भीड़ ने पुलिस को दी, तो सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जब इस पूरे मामले पर डीएसपी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी सूचना उनको नहीं मिली थी, इस तरह की कोई भी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। ये घटना एक पहाड़ी इलाके की बताई गई है। आसपास की भीड़ ने ही घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने ही घायल हुए लोगों को पहाड़ी इलाके के अस्पताल में भर्ती करवाया था। डीएसपी ने बताया कि अगर उन्हें इस तरह की कोई भी खबर दी गई होती, तो वो पुलिस की जाब्ता को वहां पर भेजते, झगड़े को रोकने की कोशिश करते, परिस्थिति को संभालने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई भी खबर नहीं मिली थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पुलिस और थाना पुलिस के थाना अधिकारियों को या डीएसपी को कोई सही में खबर नहीं मिली थी, या डीएसपी किसी तरह की जानकारी को मीडिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।